टीढ़ियाँ कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको अच्छी तरह याद कर लेना और लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद साहिब के बारे में बताएं। गुरु अमरदास जी ने एक नई वाणी की रचना की जिसे आनंद साहिब कहा जाता है। गुरु साहिब ने अपने सिखों को आदेश दिया कि जन्म, विवाह और खुशी के समय पर आनंद साहिब का पाठ किया जाएगा। इस राग के प्रवचन से सिखों में वेद मंत्रों के उच्चारण का महत्व बिल्कुल खत्म हो गया और उसकी जगह पर इन्होंने आनंद साहिब का पाठ शुरू कर दिया। आज भी सभी सिख जन्म, विवाह के समय या किसी अन्य खुशी के मौके पर इसी राग को या इसी पाठ को करते हैं। तो ये बेटा सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, तीन तीन नंबर में जाते हैं। इनको बेटा आपने अच्छी तरह याद भी करना है और लिख लेना है। धन्यवाद।